शाहजहां, द बिल्डर एम्परर। बिल्डर क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा कि इसने किस लेवल का कंस्ट्रक्शन किया। एक तो फेमस नाम आप जानते भी होंगे, ताजमहल। शाहजहां के बारे में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसकी मदर का नाम जोधाबाई था, तो ये हिंदू मदर का, इसकी मदर एक हिंदू थी। मैंने पिछले वीडियो में जब जहांगीर की बात कर रहा था तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि दो ऐसे राजा थे जो हिंदू मदर से बर्थ हुए। इसका असल नाम था खुर्रम। जब ये राजा बनता है तो ये अपना नाम रखता है शाहजहां। इसकी एक शादी बड़ी बड़ी फेमस हुई थी। जहांगीर ने कहा था कि वो दोबारा इसकी शादी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी वाइफ का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1612 में इसने एक लड़की से शादी करी थी, मैरिड टू, जिसका नाम था मुमताज महल। ये मुमताज महल इसका असल नाम नहीं था, इसका असल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, डॉटर ऑफ आसफ खान। इससे शादी कर ली थी। जहांगीर शुरू में इसके सपोर्ट में नहीं था, लेकिन बाद में उसने चाहा कि दोबारा ऐसा कोई नौबत ना हो कि बगावत करनी पड़े किसी को, इसलिए उसने इस शादी से राजी कर दी। वैसे भी ये उसका हक था। शाहजहां के वक्त में दो तीन कंक्वेस्ट बड़ी फेमस हुई थी। ऑलमोस्ट डेकन जो था वो शाहजहां के कस्टडी में आ चुका था। शुरू में बीजापुर और गोलकंडा, ये दो इंडिपेंडेंट रियासतें थी। यहां पर उसको जीता गया, इंडिपेंडेंट फुल्ली नहीं था, जीता गया। तो बीजापुर एंड गोलकुंडा कैप्चर, कैप्चर करने के बाद इसको दे दिया गया औरंगजेब। औरंगजेब बिकेम द गवर्नर ऑफ डेकन। औरंगजेब अपनी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा डेकन में गुजार चुका हूं। इसके अलावा इसके दौर में एक रिवोल्ट हुआ था बुंदेलखंड में, जिसमें जुझार सिंह ने रिवोल्ट किया था, और एक गवर्नर ऑफ डेकन जिसका नाम था खाने जहान लोधी, इसने बगावत की थी। तो ये दो रिवोल्ट जो थे, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 बुंदेलखंड रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुझार सिंह, और दूसरा डेकन का रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ खाने जहान। इन दोनों को क्रश किया और इन दोनों को और फर्दर, मतलब ये किंगडम पूरा वापस शाहजहां के एक और हुआ था इवेंट 1638 में। बार बार मैंने आपको कहा है कंधार के बारे में, ये कंधार का आखिरी एक्सपेडिशन था। कंधार पहले रिकैप्चर किया जाता है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन था, इसलिए पर्शियन भी इसको लॉस करना नहीं चाह रहा था और मुगल भी इसको अपने कब्जे से निकलने देना नहीं चाह रहा था। बट मुगल इसको रिकैप्चर करता है और फाइनली 1647 में कंधार लॉस्ट फॉर एवर। इसके बाद और कभी कंधार रिकवर नहीं हो पाता। ये शाहजहां के पीरियड में हुआ था कि कंधार को अपनी कस्टडी में लिया जाता है। बल्ख नाम का एक जगह था, उसको भी जीतने की कोशिश की गई थी। बहरहाल इन सब के साथ शाहजहां के पीरियड को एक गोल्डन पीरियड कहा गया। इसकी वजह ये थी कि शाहजहां के इस पीरियड में मुगल डायनेस्टी अपने बेहतरीन दौर में थी। बिलखुसूस आर्किटेक्चर के मैटर, इसने अपनी बीवी की मौत के गम में एक बिल्डिंग बनवाई जिसका नाम उसने रखा था ताजमहल। ताजमहल बनाने की शुरुआत हुई थी 1623 में और इसका एंड हुआ था 1655 में।
टोटल 22 साल लगे थे, कंस्ट्रक्शन में 20 साल लगे थे और 2 साल उसको फर्दर सजाने वगैरह में लगा दिया, तो टोटल 22 साल लगे थे इस बिल्डिंग को बनने में। इसने दिल्ली का जो जामा मस्जिद है वो बनवाया, रेड फोर्ट है वो बनवाया, एक शहर उसने बसाया था शाहजहानाबाद, दिल्ली के पास में एक शहर है शाहजहानाबाद सिटी, एक बहुत फेमस थ्रोन बनाया था जिसको बोलते हैं तख्ते ताऊस, तख्त का मतलब होता है थ्रोन, ताऊस तख्ते ताऊस पिकअप थ्रोन, ताऊस पर्शियन में पिकअप को बोलते हैं, मोर को बोलते हैं। तो इस तख्त के दोनों तरफ मोर का इमेज बना हुआ था, मोर का एक स्टैचू बना हुआ था, इसलिए इसको तख्ते ताऊस बोलते हैं। इस तख्ते ताऊस को नादिर शाह ने 1739 में जब अटैक किया दिल्ली को तो अपने साथ लेके ईरान चला गया, नादिर शाह चला गया था ईरान लेके चला गया। इसके साथ नादिर शाह ने एक और चीज अपने साथ ले गया जिसको उसने कहा था कोहिनूर, कोहिनूर एक डायमंड का नाम है जिसके लिए काफी बड़ी हिस्ट्री है, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ है, एक माना जाता है कि जिसके पास भी कोहिनूर रहा वो बर्बाद हो गया। कोहिनूर का नाम जो है, कोहिनूर किसने दिया था, नादिर शाह ने, जब उसके सामने ये हीरा लाया गया उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि उसको देखकर बेसाख्ता उसके मुंह से जवाब निकला कोहिनूर, नूर का पहाड़ दैट इज रोशनी का पहाड़, और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहिनूर क्यों इतना फेमस है। शाहजहां ने एक और चीज बनाया था नहरे फैज, ये एक कैनाल था, कैनाल मतलब ये महल के अंदर बहने वाला कैनाल था, इससे कोई एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कराया जाता था, नहरे फैज बनवाया था। जब ये पूरा हो गया तो इसके बेटों में आपस में जंग हुई और उसको बोल सकते हैं होम वॉर, फ्यूड फ्यूड वॉर था वो इसके बेटों में, और यहीं से शुरू हुआ था एक नया कॉन्सेप्ट फ्यूड वॉर फॉर द थ्रोन्स। इसके चार चार बेटे थे, इन चारों में एक एक करके लड़ाई हुई, कभी एक साथ ग्रुप बनाकर कभी अकेला। जो नोटेबल लड़ाई है वो है बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़ एंड बैटल ऑफ देवराई, ये तीनों में औरंगजेब के साथ जिसने लड़ा था उसका नाम था दारा शिकोह। अब इसके लिए बहुत सारी हिस्ट्री है, लोग अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री गढ़ देते हैं कि दारा शिकोह को मर्डर क्यों करवाया गया था, उसकी बॉडी को शहर भर में घुमाया गया था मारने के बाद, बट अगर आप बर्नियर की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो उस वक्त उस दरबार में मौजूद था तो उसके बारे में पढ़कर कुछ और भी समझ में आएगा। बहरहाल दारा शिकोह एक काफी एनलाइटेड पर्सन था लिटरेचर के हिसाब से, जो इधर पहले अकबर के टाइम में जो दीने इलाही एक धर्म आया था, दारा शिकोह वाज वन ऑफ द लास्ट नोटेबल फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। इसने महाभारत का ट्रांसलेशन किया था रमजनामा के नाम से, इसने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया था, उसको सिर्रे अकबर रखा था, मैं ये नाम लिख दे रहा हूं, ट्रांसलेशन उपनिषद नाम रखा था सिर्रे अकबर, और एक ट्रांसलेशन किया था महाभारत का जिसका नाम रखा था रमजनामा। रमज अरेबिक में कहते हैं जंग को, तो ये जंग की लड़ाई तो ट्रांसलेशन किया जाता है। बहरहाल अकबर से जब लड़ाई होती है फाइनली दारा शिकोह को मार दिया जाता है, और दारा शिकोह के साथ और एक सूफी को भी मारा जाता है जिसका नाम होता है सरमद, उस पर चार्जेस ये लगाया जाता है कि उसने दारा शिकोह की मदद करी थी। तो ये दो लोग थे जो औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के चक्कर में मारे गए। बहरहाल 1659 में जब बैटल ऑफ देवराय के साथ औरंगजेब दारा शिकोह को हराता है और उसको मौत के घाट उतार देता है, तो फाइनली औरंगजेब अपने आप को राजा डिक्लेयर करता है, और इस वक्त औरंगजेब अपना नाम अपना टाइटल रखता है आलमगीर। आपने हाल फिलहाल एक मूवी आई थी तानाजी, उसके रील्स बड़े फेमस होते हैं,
जिसमें अक्सर औरंगजेब को जब इंट्रोड्यूस किया गया उसमें, तो नाम देखिएगा पुकारा जाता है औरंगजेब आलमगीर, आलमगीर इसका टाइटल था, और यही है अपना शाहजहां का पूरा कहानी।